Hey guys, what's up? So in this video, we will learn about how we should introduce, right? Let's say you are in the meeting, you are in the seminar, or you are going to a place where nobody knows about you, right? So how do you introduce yourself? You should know, and you should know the content also. What are the content you should speak when you are introducing yourself, right? So लेट्स से कि आप कहीं नए जगह पे जाते हैं और किसी न्यू पर्सन से आप मिलते हैं, तो आप अपना परिचय कैसे देंगे इंग्लिश में? सो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कंटेंट हमें बोलना है, राइट? आप यदि अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक टू द कंटेंट, राइट? यू डोंट स्पीक अबाउट वॉट इज़ योर नेटिव प्लेस एंड वॉट आर द फेवरेट थिंग्स इन योर नेटिव. बेटर यू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ फर्स्ट एंड देन इफ़ यू हैव अ टाइम, यदि आपको अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद भी समय बचता है, देन यू कैन टॉक ऑल दैट, राइट? सो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ योर नेम, योर क्वालिफिकेशंस और योर प्रोफेशन. सो यू कैन से दैट आई एम अ मोहन एंड आई एम एन इंजीनियर. मैं मोहन हूँ और मैं इंजीनियर हूँ. आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार. मैं बिहार में ही पला बड़ा हूँ, पैदा हुआ हूँ. आवर्स इज ए ज्वाइंट फैमिली, हम लोगों का एक ज्वाइंट फैमिली है. आई हैव थ्री ब्रदर एंड वन सिस्टर. सो मेरे पास तीन भाई और एक बहन है. माई ब्रदर इज़ ए स्कूल टीचर एंड सिस्टर इज़ ए बैंकर, राइट? सो हियर यू कैन मेंशन विच ब्रदर. आई हैव नॉट, दो आई हैव नॉट रिटन हियर, यू कैन से दैट माई एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर. यू कैन मेंशन हियर, राइट? सो यू कैन से दैट माई यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर. इट्स अप टू यू वॉट यू वॉन्ट टू से, right? I have written here very generic statement saying that my brother is a school teacher, right? But let's say if your all brothers are school teacher, you can say that my brothers are, let's say if everybody is a school teacher, right? So you can say that my brothers are school teacher and sister is banker. मतलब मेरे सभी भाई शिक्षक हैं और मेरी बहन बैंक में काम करती है. My father is a farmer, मेरे पिताजी farmer हैं, and mother is a school teacher, मेरी माताजी स्कूल टीचर है. माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग क्रिकेट. जो मेरी हॉबी है, जो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो म्यूजिक सुनना और क्रिकेट खेलना. आई एम ग्रेजुएट बाई क्वालिफिकेशंस. जो मेरा क्वालिफिकेशंस है, मैं ग्रेजुएट हूँ एंड वर्क एज ए सेल्समैन. और मैं सेल्समैन के तौर पर काम करता हूँ. आई हैव टू किड्स, एल्डर वन गो टू स्कूल. सो आई हैव टू किड्स वेयर यू कैन से दैट द एल्डर वन गो टू स्कूल एंड यंगर वन इज़ वन ईयर ओल्ड, राइट? मतलब मेरे पास दो बच्चे हैं और जो मेरा बड़ा लड़का है वो स्कूल जाता है, जो मेरा यंगर जो छोटा है बच्चा है वो एक साल का है. तो दैट्स हाउ यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. इट शुड बी वेरी स्मॉल, ब्रीफ, एंड यू शुड एबल टू टेल अबाउट योर एंटायर थिंग्स, एंटायर फैमिली, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर किड्स. You can include your wife also if you want to do that, right? It's up to you. Like किस किस के बारे में आप जानकारी देना चाहते हैं, आपके ऊपर है, right? So again I will repeat, you can say that I am a Mohan, I am an engineer, I born and brought up in Bihar. Ours is a joint family. I have three brothers and one sister. My brothers are a school teacher and sister is a banker. My father is a farmer and mother is a school teacher. My hobbies are listening to music, playing cricket. I'm a graduate by qualifications and working as a salesman. I have two kids, elder one go to school and younger one is a 1 year old, right? So you can just repeat this line 3-4 times. Now let me tell you some sentence. Let's say you need to speak to some sentence where you need to use belong to. So how you should speak? So you can say that I belong to Karnataka, main Karnataka se sambandhit hu. So when you say I belong to Karnataka, matlab aap ye bata rahe hain ki main yahan se sambandhit hu. So when I say I belong to Bihar, मतलब मैं बिहार से संबंधित हूँ. ही बिलोंग्स टू बैंगलोर, मतलब वह बैंगलोर से संबंधित है. सी बिलोंग्स टू बिहार, वह बिहार से संबंधित है. दे बिलोंग टू बैंगलोर, वे बैंगलोर से संबंधित है. दे बिलोंग टू राम, यह राम से संबंधित है. दिस बिलोंग टू राम, यह राम से संबंधित है, राइट? सो इट्स अप टू यू हाउ यू वॉन्ट टू यूज बिलोंग टू. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, द बिलोंग टू वी ऑफन यूज. So I wanted to share with some sentence like how you can use that. Like let's say you have a phone, आपके पास एक फ़ोन है और आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये फ़ोन आपका नहीं है, किसी और का है. तो आप बोल सकते हो कि दिस फोन
बिलोंग्स टू सो एंड सो पर्सन, मतलब आप उसका आदमी का नाम बोल सकते हैं कि दिस फोन बिलोंग्स टू राम, दिस फोन बिलोंग्स टू मोहन, राइट। और लेट्स से कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आप एक बाइक देखते हैं, बाइक पार्क किया हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि दिस बाइक, लेट्स से आपको बाइक के बारे में जानकारी है, तो आप बोल सकते हैं कि दिस बाइक बिलोंग्स टू राम और दिस बाइक बिलोंग्स टू श्याम, राइट। सो यू शुड यूज बिलोंग्स बिलोंग टू लाइक दिस, राइट। देन लेट्स से ऑलरेडी, ऑलरेडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड एंड वी एवरी डे लॉट ऑफ सेंटेंस वी यूज विथ ऑलरेडी वर्ड्स, राइट। दिस इज़ वेरी वेरी कॉमनली यूज वर्ड। सो लेट्स से हाउ यू शुड यूज, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस बुक, मतलब मैं पहले से ही यह बुक देख चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस बुक, मतलब यदि आप किसी को भी ये कहना है कि आप पहले से इस चीज़ के बारे में जानते हैं, यू कैन यूज़ दिस वर्ड ऑलरेडी। कोई भी चीज़ यदि आप पहले से जानते हैं तो आप ऑलरेडी यूज कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड देम, मैं पहले से ही उसे जानकारी दे चुका हूँ। वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड देम, मैं पहले से ही उसको जानकारी दे चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू हिम, मैं पहले से ही उसको बोल चुका हूँ, राइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू हिम, मतलब मैं पहले ही आप बता चुके हैं, राइट। सो यू आर सेइंग दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू हिम। नाउ आई हैव ऑलरेडी बुक्ड दिस टिकट, मैं पहले से ही टिकट बुक कर चुका हूँ। यदि आप कोई काम पहले से कर चुके हैं तो यू कैन से दैट आई हैव ऑलरेडी बुक दिस टिकट। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू हिम, मैं पहले से ही बोल चुका हूँ। कुछ आप पहले ही किसी को बता चुके हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू हिम, राइट, अबाउट दिस। सो इट्स अप टू यू। सो ऑलरेडी यू शुड नो हाउ टू यूज, राइट। आई विल रिपीट ऑल द सेंटेंस अगेन। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस बुक, वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड देम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू हिम, आई हैव ऑलरेडी बुक्ड द टिकट, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू हिम, राइट। वन थिंग आप यहाँ पे देखेंगे, जब भी ऑलरेडी हम लोग यूज करते हैं तो हमेशा जो उसके बाद का जो वर्ड होता है वो पास्ट फॉर्म में होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कब यूज करते हैं, जब कोई चीज़ पहले हो चुका है, राइट। ऑलरेडी आपका मतलब कोई चीज़ आप कर चुके हैं या देख चुके हैं या उसके बारे में आपको आइडिया है, तो आप देखेंगे कि हमेशा उसके बाद पास्ट फॉर्म का वर्ड आएगा। ऑलरेडी सीन, ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, ऑलरेडी टोल्ड, ऑलरेडी बुक्ड, ऑलरेडी स्पोकन। तो इसका आप ध्यान रखिए बोलते इसमें, राइट। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट वंस यू विल गेट यूज ऑफ इट, यू नो यू कैन फ्रेम द सेंटेंस ईजिली एंड यू कैन से दैट वेन एवर यू विल ट्राई टू स्पीक, इट विल कम ऑटोमेटिकली। नाउ लेट्स से बट भी बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है। वी ऑलवेज यूज द सेंटेंस विद बट, स्पेशली हम इंडियन का बड़ा फेवरेट वर्ड होता है बट, इफ बट हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वी शुड नो हाउ वी शुड यूज दिस। ही विल डू एनी थिंग बट ही विल फिनिश द टास्क, मतलब वो कुछ भी करेगा लेकिन वो काम ख़त्म करेगा। जैसे आप किसी को ये कह रहे हैं कि यार ये कुछ भी करे लेकिन काम तो कर ही लेता है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ही विल डू एनी थिंग बट ही विल फिनिश द टास्क, राइट। ही डज नथिंग बट प्ले, जैसे आप ये किसी को कह रहे हैं कि यार ये कुछ भी नहीं करता है, खेलता रहता है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ही डज नथिंग बट प्ले। बट प्ले मतलब ये कुछ भी नहीं करता है लेकिन क्या है, खेलता रहता है, राइट। सो इट्स अप टू यू लाइक हाउ यू वॉन्ट टू यूज द बट। द थर्ड सेंटेंस इज आई हैव टोल्ड दिस टू नो वन बट यू, मतलब आप जनरली आप किसी को कहते हैं ना भरोसा के सेंस में कि यार मैं किसी को नहीं बताया था, बस तुम्हें ही बता रहा हूँ। तो इंग्लिश में आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव टोल्ड दिस टू नो वन बट यू, मतलब मैंने किसी को नहीं बताया था बट तुमको बताया था। आई हैव टोल्ड दिस टू नो वन बट यू, राइट। ही थिंक्स ऑफ नथिंग बट मेकिंग मनी, आप हमेशा सेंटेंस यूज करते हैं ना कि यार ये बड़ा मनी माइंडेड आदमी है, मतलब हमेशा पैसे के बारे में सोचता है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं ही थिंक्स ऑफ नथिंग बट मेकिंग मनी, मतलब ये हमेशा पैसे बनाने के बारे में सोचता है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं बट का सेंटेंस। आई विल रिपीट द सेंटेंस अगेन, ही विल डू एनी थिंग बट ही विल फिनिश द टास्क, ही डज नथिंग बट प्ले, आई हैव टोल्ड दिस टू नो वन बट यू, ही थिंक्स ऑफ नथिंग बट मेकिंग मनी, राइट। सो यू कैन रिपीट दिस सेंटेंस टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, यू विल गेट यूज ऑफ इट। नाउ सेंटेंस विथ अबाउट दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एवरीबडी स्पीक्स अबाउट दैट। आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, शायद नहीं बोलते हैं तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन हिंदी में आप जो भी वर्ड बोलते हैं अबाउट डैट तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट डैट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, बहुत ही कॉमनली यूज सेंटेंस है। हमेशा हम लोग कोई भी हमसे पूछता है, नहीं नहीं हमें नहीं पता है, मतलब जनरली हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं, नहीं हमें नहीं पता है,
मतलब यू कैन से दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट. आप बोल सकते हैं कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ. मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ. डोंट टेल मी अबाउट दैट, इसके बारे में मुझे कुछ मत बताओ. राइट, डोंट टेल मी अबाउट दैट, मतलब आप गुस्से में हमेशा हम लोग बोलते हैं अरे मेरे को मत बताओ यार इसके बारे में. राइट, मेरे को मत बताओ इसके बारे में. सो वी कैन से दैट इन इंग्लिश, डोंट टॉल मी अबाउट दैट, डोंट टेल मी अबाउट दैट, आई नो अबाउट दैट, मैं इसके बारे में जानता हूँ. वी ऑफन यूज राइट, अरे आई नो यार, आई नो अबाउट दिस. सो यू कैन से दैट आई नो अबाउट दैट. ही डिड नॉट टेल मी एनी थिंग अबाउट दैट, वेरी कॉमनली यूज, उसने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया. बहुत बार ऐसा होता है कि वो आदमी बताया होता है फिर भी हम लोग हाइड करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ही डिड नॉट टेल मी एनी थिंग अबाउट दैट. राइट, सो दैट्स हाउ यू शुड स्पीक, आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट दैट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, डोंट टॉल मी अबाउट दैट, डोंट टेल मी अबाउट दैट, आई नो अबाउट दैट, ही डिड नॉट टेल मी एनी थिंग अबाउट दैट. दैट्स हाउ यू शुड यूज द सेंटेंस विच अबाउट दैट. राइट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, डोंट टेल मी अबाउट दैट, आई नो अबाउट दैट, ही डिड नॉट टेल मी एनीथिंग अबाउट दैट. एंड दिस 5-6 सेंटेंस, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी डे एवरी टाइम यूज दिस सेंटेंस. राइट, सो दैट्स हाउ वी शुड स्पीक अबाउट दैट सेंटेंस. राइट, सो विद दिस आई विल क्लोज दिस वीडियो एंड आई विल कंटिन्यू विद सम अदर वीडियो. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. होप दिस विल एड वैल्यू टू योर नॉलेज एंड होप यू लर्न सम इंग्लिश सेंटेंस. थैंक यू.